Hello everyone, here I'm starting with a new lecture series for the subject called GIS, that is Geographical Information System. My name is Professor Tirup Parmar. This lecture series is specially developed for TYBACIT semester 6 for this year's students, and I'm also going to include a previous year's question once we are done with the unit, because if we discuss about this particular subject, so the question which often comes in exam, they are quite dynamic, so we can't just discuss the previous year's question because that won't help you to clear out this exam. So that's why I'll be discussing unit all the important topic as per the syllabus. So this is our syllabus. If you see hum logo ka jo syllabus hai, sabse pehle we need to discuss about the spatial data concepts, jiske andar we'll discuss like what is GIS, which type of data projection and everything. Uske baad unit 2, 3, 4, 5, 6. So we'll start with unit 1 now. As you can see, unit 1 mein we need to discuss about a spatial data concepts. So first, agar aap dekhoge, this is the question which was already asked in the year 2014. The question aaya tha, what is GIS and its applications. So ये दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अ सब्जेक्ट, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. बेसिकली आप जब भी ऐसे कुछ चीज़ों को कंबाइन करते हैं और जिसके बेस के ऊपर हम लोगों का एक मैप रेडी होता है, उसको हम लोग GIS बोलते हैं. आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. इन शॉर्ट, हम लोग जब भी कोई गूगल मैप्स या कुछ भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप किसी का लोकेशन अगर हम लोगों को ट्रेस करना है या कोई एक पर्टिकुलर एरिया का आपको स्टडी करना है और भी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हैं. आपने अभी ओके ये जो साइक्लोन आया था वो आपने सुना रहेगा, तो वो जो साइक्लोन है कौन से एरिया से आ रहा है, कभी हम लोग तक कौन से हम लोग के सिटीज़ तक वो पहुँचेगा, उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, तो ये सब स्टडीज़ के लिए भी हम लोग GIS ये ही सेम सिस्टम यूज़ करते हैं. GPS आपने बहुत वाइडली एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, आपने सुना रहेगा. तो GPS इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वन टाइप ऑफ GIS. सो GIS के अंदर ही हम लोग का GPS पैटर्न भी आता है. तो आप अगर देखोगे कि हम लोगों ने यहाँ पे कोई एक मैप है, कोई एक एरिया है, तो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो मैप है उस पर क्या किया है, स्ट्रीट जो है ना वो ऐड किए है ना, ये हम लोगों के लेयर्स है. मतलब आप जब भी एक कोई मैप यूज करते हो गूगल मैप पे, तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें रहते हैं. फॉर एग्जांपल, एक जो लेयर रहता है वो मैप पे जो आपको स्ट्रीट्स बताता है, तो ये जो स्ट्रीट वाला डेटा है, अभी यहाँ पे देखिए ये लेयर है, मतलब ये एक डायग्राम है ना, ऐसा एक लेयर या एक डायग्राम हम लोगों ने ऐड किया दूसरे डायग्राम के ऊपर या दूसरे एक लेयर के ऊपर, और उसके साथ वो जो स्ट्रीट है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, नाम क्या है, ये सारे डेटा है. और उसके आगे बिल्डिंग डेटा, मतलब उसके ऊपर क्या फैक्ट्रीज है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, ये सब डेटा आता है. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेयर में हम लोगों ने क्या ऐड किया, रोड्स, उसके साथ उसका इंफॉर्मेशन है ना, डेटाबेस भी हम लोगों ने साथ में कंबाइन किया है. उसके साथ जो हम लोगों ने हाउसेस है, बिल्डिंग्स है, कॉम्प्लेक्स है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, स्कूल्स, कॉलेज, जो भी रहेगा वो हम लोगों ने ऐड किया. प्लस उसके साथ आपने अगर देखा रहेगा कोई नेशनल पार्क्स रहेंगे है ना, कोई ग्रीनरी पार्ट है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगे, ये हम लोगों का थर्ड लेयर हो गया. कौन सा, वेजिटेशन डेटा. तो हम लोगों ने यहाँ पे तीन डेटा सोर्स ऐड किए, उसके साथ तीन लेयर्स ऐड किए, और ये सबको जब भी हम लोग साथ में इंटीग्रेट करते हैं ना, ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हम लोग को एक ऐसा फाइनल जो है, एक फाइनल हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को एक रेडी मैप मिलता है जो हम लोग रेफर कर सकते हैं अपने आगे कोई भी स्टडीज के लिए. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम चीज यहाँ दिया है, अ GIS और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा रिलेटेड टू पोजीशन ऑन अर्थ सरफेस. मतलब हम लोग कहाँ पे है आपको वो चेक करना है, या कोई एक स्पेसिफिक आपको कंपनी के बारे में अगर डिटेल कुछ डिस्कस करना है, या कोई भी ऐसे कोई भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, जैसे आपने देखा रहेगा कि हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया पे ऑयल फील्ड्स होने चाहिए, या फिर कोल्स कहाँ पे मिल सकते हैं, ये सब. जैसे मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज है उनको ऑयल रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो उनको कैसे पता चलता है वहाँ ऑयल्स है, विद द हेल्प ऑफ सच स्टडीज. अगर कहीं पे वॉल्केनोज इरप्ट होने वाले हैं, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ सच स्टडीज. आई होप इट इज क्लियर.
अर्थक्वेक प्रोन जोन्स कौन से हैं ये कैसे पता चलेगा? तो हम लोगों ने उसके लिए भी ऐसी स्टडीज किए रहते हैं जिसके बेस के ऊपर हम लोगों को पता चलता है कि कौन से कंट्रीज, जैसे जापान है, देन इंडिया में सारे जो सिटीज है वहां पे अर्थक्वेक के चांसेस नहीं रहते या उतने डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स नहीं आते हैं। लेकिन अर्थक्वेक कहाँ पे ज्यादा आते हैं? जहाँ पे दो प्लेट्स जो है आपस में मिलते रहेंगे, या फिर जहाँ पे एवरेस्ट रहेंगे जैसे हिमालय है, दो प्लेट आपस में जब ही टकरा है तब जाके वो थोड़े कोई एवरेस्ट बने रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो प्लेट्स जो है हमेशा थोड़े ना थोड़े स्लाइड होते रहते हैं, और वो प्लेट स्लाइड होते हैं तभी क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। आपने ज्योग्राफी में अगर कभी पढ़ा रहेगा, याद रहेगा, तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे GIS हम लोग यूज करते हैं सो दैट ये जो भी डेटा होता है हम लोग को मिलता है, ये सब डेटा को हम लोग साथ में कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं ना, और उसके बेस के ऊपर रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिर्फ हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा कि टाइगर पॉपुलेशन कितना बचा है, या कोई एक पर्टिकुलर एरिया में कौन से स्पीशीज जो है हम लोग को ज्यादा मिलते हैं, कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो वहां से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या बहुत कम अमाउंट में बचे हैं, ये सब भी हम लोग यहाँ से ही डिस्कस करते हैं। प्लस आपने देखा रहेगा कि हम लोग के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं जो हम लोग दूसरे कंट्रीज से अब खुद को डिफेंड करने के लिए, अटैक करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर कोई दूसरे कंट्री से अगर हम लोग के ऊपर कोई मिसाइल फायर होता है तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी हम लोग ये GIS ट्रेसिंग टेक्निक ही यूज करते हैं, जिससे हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो बहुत बहुत सारे जगह पे आज के टाइम में अगर आप देख लो स्मार्ट सिटीज जो हम लोग यूज करते हैं वहां पे भी ये GIS पैटर्न यूज होता है। सो GIS इज अ टेक्नोलॉजी क्रूशियल पार्ट ऑफ स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ रिमेंबर इट्स नॉट स्पेशल, इट्स स्पेशियल, है ना, फर्क होता है। यहाँ पे हम लोग स्पेशियल की बात करते हैं, उसका मतलब होता है रिलेटिंग टू सम स्पेस। ओके, स्पेशियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू सम स्पेस। तो यहाँ पे भी हम लोग कोई ना कोई एक स्पेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। Now, with the White House defines as the technology policy standards, human resource, है ना, ये basic आपको दिया हुआ है, I hope आपको समझ में आ गया। तो जब भी हम लोग कोई एक specific space के बारे में उसका data occupy करके वहाँ पे store करते हैं, उसको वो जो study होता है, वो जो pattern होता है, उसको हम लोग spatial data infrastructure बोलते हैं। GIS can use any information that includes, क्या क्या include करेगा वो, location, right? लोकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर। अगर हम लोग गूगल मैप्स भी यूज करते हैं तो वहां पे भी हम लोग लोकेशन फैक्टर ही यूज करते हैं ना, कौन सा एरिया आपको चाहिए, कौन से कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और ये जो लोकेशन है ये हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अलग अलग वे रहते हैं। एक रहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपने अर्थ जो है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स देखे रहेंगे, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा। तो ये जो है ये एड्रेस एक होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर जो है, सैटेलाइट जो है, वो आपके कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करता है, कैच करता है, और उसके ऊपर हम लोग कोई वर्ड्स डालते हैं, एरिया का एड्रेस डालते हैं या जिप कोड डालते हैं, सो दैट हम लोगों को इजीली पता चले। बहुत अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं जिसको हम लोग साथ में कंपेयर कर सकते हैं, कंट्रास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हर एक एरिया में कितने टाइगर्स है, या कौन से एरिया में वाटर रिसोर्सेस कितने हैं, कहाँ पे स्कार्स रिसोर्सेस है ना, वो सब कैसे पता चलेगा? जब भी हम लोग दो कंट्रीज या दो स्टेट के ऐसे डेटास को कंपेयर करते हैं, जैसे अगर मुंबई में हम लोग दिल्ली पॉल्यूशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, मुंबई में उससे कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, लेकिन है बहुत ज़्यादा है। और कोई कोई सिटीज है जैसे लोकेशन है वहाँ पे कम है, तो ये पता कैसे चलता है? तो हम लोग वहाँ पे भी ऐसे ज्योग्राफिक जो ज्योग्राफिक डेटाज होते हैं उसको कंपेयर करते हैं, जैसे PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कितना अमाउंट है वहां पे, है ना। जैसे आपने देखा रहेगा 300 से अगर ज्यादा होता है, वैसा ही दिल्ली में हालत है। सो 300 से ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वहां पे, मुंबई में उतने हैं लेकिन उससे कभी कभी कम होता है, विंटर सीजन में बढ़ जाते हैं। तो पोल्यूशन जो है हम लोग इसके थ्रू भी कंपेयर कर सकते हैं। द सिस्टम दैट इंक्लूड्स डेटा अबाउट पीपल, है ना, पॉपुलेशन के बारे में बता सकता है, उनके इनकम हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग मैप्स बता दें, उसमें हम लोग ये भी बता दें कौन से डेवलप कंट्रीज है, कौन से अंडर डेवलप कंट्रीज है, ये भी हम लोग, या फिर कहाँ पे एजुकेशनल लेवल। आपने देखा रहेगा बहुत बार इंडियन मैप्स आते हैं जहाँ पे वो बताता है कि इंडिया के कौन से लोकेशन है जहाँ पे एजुकेशनल लेवल लो है या हाई है। यू सी दिस मैप, यहाँ पे भी वो सेम चीज एक बताने का ट्राई किया है। अगर आप देखोगे कि
सर्टेन एरियाज है जहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो 85 to 94% है. कौन से है वो? ऊपर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे गुजरात है, शिमला है, चंडीगढ़ है ना, देहरादून है, मतलब ये हम लोगों के अलग अलग पार्ट हो गए. महाराष्ट्र जो है वो भी एक काफ़ी अच्छे लेवल पे आता है जहाँ पे 80 to 85% एजुकेशनल या लिटरेसी रेट है. तमिलनाडु है जहाँ पे 85 to 94% है ना. देन कर्नाटका है, बेंगलुरु है, ये वाला पार्ट हम लोगों का. तो ये हम लोगों का अगर आप देखोगे तमिलनाडु, केरला है, ये वाले पार्ट जो है जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है. ये साइड अगर देखेंगे दूसरे एरियाज है, स्टेट्स है, जहाँ पे अगेन डिफर कर रहा है. तो ये सब हम लोग को पता कैसे चलता है? तो जब भी हम लोग एक स्टेट का डेटा दूसरे स्टेट के साथ कंपेयर करते हैं तभी हम लोग को पता चलता है. आप देख लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बिहार है, तो बिहार के अंदर जो है लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है. ये पता कैसे चला? हम लोगों ने जब भी वहाँ पे एक स्टडी फॉलो किया और वो स्टडी ने हम लोग को हेल्प किया ये सब स्टेटिस्टिक्स जो है वो ढंग से स्टडी करने के लिए. और ये सब हम डेटा जो है हम लोगों ने कंसोलिडेट किया और वो कंसोलिडेट करके हम लोगों ने डेटाबेस में डाला, तब जाके हम लोगों को ये प्रॉपर एक मैप रेडी करने के लिए हेल्प मिला. तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, ये एजुकेशनल लेवल या इनकम लेवल, ये सब हम लोग ऐसी मैप्स बना सकते हैं किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ सच सिस्टम विच इज कॉल्ड एज जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या क्या इंक्लूड करता है, कौन से, तो लैंडस्केप आ सकता है उसमें, है ना, जैसे लोकेशन ऑफ स्ट्रीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आ सकते हैं. हम लोगों को कैसे पता चलता है कि कहाँ पे कौन से टाइप के हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं? आपने देखा रहेगा वीट फार्मिंग और वो सब पंजाब साइड में ज़्यादा होता है. दूसरे टाइप के जो प्रोडक्ट रहते हैं इंडिया के अलग अलग स्टेट वाइज, आप देखिए फार्मिंग पैटर्न्स जो है ना वो चेंज होते हैं. सो आप अगर ये वाला मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अलग अलग स्टेट में कौन सी चीज़ें फार्म होते हैं, है ना. ऐसे अलग अलग मैप्स आपको दिए हैं, मेजर क्रॉप्स कौन से होते हैं, जैसे राइस है, सर्टन एरियाज में राइस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, सर्टन स्टेट्स में राइस छोड़ के कोई दूसरा फार्मिंग बहुत ज़्यादा होता है. ये कैसे पता चलता है हम लोगों को? विद द हेल्प ऑफ दिस जीआईएस स्टडी ओनली, है ना. विल जस्ट लुक एट दिस मैप. आप देखिए यहाँ पे आपको बताया राइस, वीट, है ना, जवार है, बाजरा है, कौन से स्टेट में होता है वो यहाँ पे बताया. गुजरात में जैसे देखिए आप अगर देखेंगे वीट और जवार जो है वो ज़्यादा होता है. महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो वीट, बाजरा, है ना, राइस जो है वो ज़्यादा होता है. नीचे अगर डाउन साइड साउथ स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे भी राइस जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आपको दिखेगा. देन अगर नॉर्थ ईस्ट साइड की बात करें तो वीट बहुत ज़्यादा है. तो ये सब टाइप के जो मैप्स है ये हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ GIS. यही यहाँ पे दिया हुआ है, काइंड ऑफ वेजिटेशन, काइंड ऑफ सॉइल. तो हम लोगों ने सबसे पहले तो स्टडी किया कि कौन से स्टेट में कौन से टाइप के सॉइल्स है. और ये हम लोगों ने कैसे स्टडी किया? ये हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल होते हैं, यहाँ पे रेड सॉइल होता है. और वो ब्लैक या रेड सॉइल कैसे होते हैं? तो जब भी इंडिया जब भी स्टार्टिंग में बना वो टाइम पे बहुत जगह पे वॉल्केनोज इरप्ट होते थे. तो वो जो वॉल्केनोज इरप्ट होते थे उसकी वजह से कोई कोई जगह पे जो अगर हम लोग बोलेंगे कि कोई कोई प्ले स्टेट्स या एरियाज जो है जहाँ पे सॉइल जो है वो अलग कलर का है, कोई कोई एरियाज में वो सॉइल जो है वो अलग कलर का है. तो कौन से टाइप के सॉइल्स है, उसमें कौन से मिनरल्स है, उसके बेस के ऊपर हम लोग कौन से टाइप के क्रॉप्स वहाँ पे उगा सकते हैं ना, ये हम लोग स्टडी करते हैं. सो वही यहाँ पे दिया. आई होप अभी आपको समझ में आ गया रहेगा क्लियरली. नाउ तो यहाँ पे अगेन एक सेम एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग GIS यूज करके क्या क्या कर सकते हैं. सबसे पहले का अगर आप देखोगे लोकेशन फीचर्स, है ना, हम लोग लोकेशन फीचर्स एंड रिलेशन टू अदर फीचर्स, लोकेशन के बेस के ऊपर और क्या क्या वहाँ पे हो सकता है ये हम लोग देख सकते हैं. वेयर द मोस्ट और लीस्ट ऑफ सम फीचर्स एग्जिस्ट हो सकता है, और वो ही दिया है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट आपको दिया है मैपिंग वेयर थिंग्स आर, देन वी कैन मैप द स्पेशल लोकेशन, रियल वर्ल्ड फीचर्स, है ना, वर्चुअलाइज स्पेशल रिलेशन, है ना, स्पेस के साथ रिलेट कर सकते हैं. जैसे अगर आप यहाँ पे ये वाला मैप देखोगे, क्या एग्जाम्पल दिया है, बिलो मैप ऑफ एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट इन अ ग्रीन लेयर्ड ओवर अ सॉइल टाइप. तो यहाँ पे जहां जहाँ पे ग्रीन लेयर्स है वहां पे हम लोग बता रहे कि कौन से टाइप के सॉइल्स जो है वो यहाँ पे हो सकता है. जैसे जैसे टाइप ऑफ सॉइल्स चेंज होंगे वैसे वहां पे फार्मिंग पैटर्न भी चेंज होगा. प्लस हम लोग ये भी बताते हैं कि जैसे अगर आपको हम लोगों का जो विंटर सीजन है वो पता रहेगा, तो हम लोगों के कंट्री में दो टाइप के मानसून आते हैं ना, एक आते हैं नॉर्थ ईस्ट ये साइड से आते हैं, एक आते हैं साउथ वेस्ट वाले आते हैं. तो यहाँ से जो आते हैं विंड्स आते हैं, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे पहले रेन होगा, कहाँ कहाँ पे यहाँ पे रेन होता है, कौन से कंट्रीज जो है
वो रेन डेफिसिट होते हैं, कौन से कंट्रीज में रेन ज्यादा आता है, तो अगर रेन ज्यादा आता है वहां पे हम लोग राइस फार्मिंग करते हैं, है ना, ये सारे पैटर्न्स हम लोगों को पता चलते हैं। और प्लस अगर आप देखोगे कि हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर फ्लड्स आते हैं कहीं पे तो क्यों आता है, ये भी हम लोग यहाँ से स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट वाला पार्ट अगर आप देखोगे, क्वांटिटीज भी हम लोग मैप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या क्वांटिटीज मैप किया है, पीपल मैप क्वांटिटीज सच एज द मोस्ट एंड लीस्ट। जैसे हम लोगों ने भी पहले देखा था ना, एक लिटरेसी वाला देखा था, कहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा है कहाँ पे कम है, तो बिलो मैप ऑफ सेडिमेंट्री लोकेशन, है ना, जहाँ पे वो बता रहा है कि सेडिमेंट्री लोकेशन डॉट से हम लोगों ने डेंसिटी बताया कहाँ पे वो उसका डेंसिटी ज्यादा है कहाँ पे कम है। मैपिंग डेंसिटीज, जैसे कहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि रिवर्स है ज्यादा है, या बाकी का आप कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो, पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा है ये भी हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मैनहट्टन है ना, तो ये मैप क्या बता रहा है, मैनहट्टन में कहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, कौन से पार्ट में पॉपुलेशन कम है। जैसे इंडिया का भी हम लोग एक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला ऐसा ही मैप जो है वो चेक। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोगों को यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी वाला मैप बता रहा है, जैसे 2017 के हिसाब से कौन से स्टेट से जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जब कहाँ कहाँ पे पॉपुलेशन कम है ना, ये यहाँ से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मैनहट्टन का एक मैप दिया है। फाइंडिंग वॉट इज इनसाइड, जैसे हम लोग बता सकते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लोग का है, फॉर एग्जाम्पल बिलो मैप शोइंग नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन कहाँ पे ज्यादा है, जैसे एयरपोर्ट से वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा हो सकता है, कहाँ पे नॉइस पोल्यूशन कम है, कहाँ पे हम लोगों को कोई एनिमल्स को बचाने की ज़रूरत है, या कहाँ पे कोई वल्नरेबल पार्ट्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत कुछ स्टडी करते हैं। आपको अगर कुछ पास में रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल्स अगर ढूंढने हैं, है ना, तो उसके लिए भी हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने डेटा ऐड करके रखा हुआ रहता है, तो जहाँ से आपको बताएगा कि पास में हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज कहाँ कहाँ पे, तो ऐसे हम लोग मैप के ऊपर डेटा भी ऐड करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे, आपको और क्लियर पता चलेगा। मैपिंग चेंज मतलब क्या होगा यहाँ पे, व्हेन वी मैप द चेंज इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया टू एंटिसिपेट फ्यूचर कंडीशन। जैसे हम लोग बता रहे कि फ्यूचर में इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना बढ़ेगा, और अगर वो ज़्यादा बढ़ेगा तो उसके हिसाब से कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रहने के लिए, अगर प्लेस या स्पेस हम लोगों का कम होगा। प्लस उसके साथ अगर आप देखोगे नेक्स्ट 100 ईयर्स में प्रेडिक्शन है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते रहा और अगर सी लेवल राइज हुआ तो 30% मुंबई जो है वो सबमर्ज हो जाएगा सी में। तो दैट मीन्स अगर 30% एरिया अगर सबमर्ज होता है नेक्स्ट 100 ईयर्स में, तो वो टाइम पे पॉपुलेशन और भी ज़्यादा रहेगा, तो डेंसिटी जो है वो कितना बढ़ जाएगा, तो ये भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे वो है हम लोगों का एप्लीकेशंस ऑफ जीआईएस, क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो अगर आप देखोगे जीआईएस के एप्लीकेशन, सबसे पहले तो हम लोग मार्केटिंग मॉडल के लिए यूज कर सकते हैं ना, सर्विस प्रोवाइडर में आर मोर क्लोजली टाइड टू ज्योग्राफिकल में अदर बिजनेस। जैसे अगर किसी को यहाँ पे बिजनेस करना है तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि कौन सी कंट्रीज में हम लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है, और कहाँ पे लोग ज्यादा टेक फ्रेंडली है, या उनका टेस्ट वाइज कैसे है वो लोग। तो आप देख लो कि इंडिया में भी अगर स्टेट टू स्टेट हम लोग जाते हैं, आपको अगर सिर्फ नॉर्मल मैकडोनल्ड्स भी चालू करना है या कोई एक रेस्टोरेंट चालू करना है, तो वो टाइम पे आपको पहले स्टडी करना पड़ता है कि हर एक एरिया में लोगों का इंटरेस्ट क्या है, बिकॉज वो इंटरेस्ट वाइज ही हम लोग वहाँ पे कोई प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। नेटवर्क प्लानिंग कैसा है, तो जीआईएस ओवरलेज डिमांड फॉर फॉरेस्ट मॉडल्स, है ना, सॉरी फॉरकास्ट मॉडल, फॉरकास्टिंग मीन्स वेदर फॉरकास्टिंग भी हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। नेटवर्क डिजाइन वो वे में बनाएंगे, ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं जहाँ से हम लोग बहुत कुछ मॉनिटर कर सकते हैं ना, नेटवर्क टेस्टिंग कर सकते हैं, जीआईएस एप्स हम लोग बना सकते हैं, रियल टाइम में मॉनिटर कैसे होगा, जैसे ओला उबेर वाले जो अपने सर्विसेज यूज करते हैं, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अगर मैं अमेजोन से कोई बुक या कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ तो मैं लाइव ट्रैकिंग फीचर भी हम लोग को दिया रहता है कि हम लोग ट्रैक कर सकते हैं अगर मेरा ऑर्डर डिस्पैच हो गया है तो वो कहाँ तक पहुँचा है, कब तक मेरे पास आएगा, ये सब कुछ हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। जैसे ही कोई प्रोडक्ट डिस्पैच हुआ है ना, हम लोग उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये बेसिक हो गया, अभी इसके आगे और भी बहुत सारे, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जैसे कोई वेटलैंड होते हैं डिग्रेड अगर हो रहा है वो, तो वो उसका रीज़न क्या है, अगर फॉरेस्ट कवर अगर कम हो रहा है तो आपको कहाँ पे फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ पे CO2 एमिशन या कार्बन मोनोऑक्साइड फीचर्स जो है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, तो कहाँ पे हम लोगों को उसको सस्टेन करने की ज़रूरत है, ये सब हम लोगों को पता चलेगा, राइट।
आप देख लो कि दिल्ली में अगर वो लोग ऑड इवन कंसेप्ट पर लगाते हैं पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, या फिर अगर वो हेल्प नहीं करता है तो उनको कैसे पता चलता है वो हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है? और अगर उनको आगे पोल्यूशन से फाइट करना है तो वो क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं? तो उसके लिए भी ये GIS बेस्ड सिस्टम्स जो है वो उनको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग दूसरे कंट्रीज से, जैसे चाइना का भी सर्टन कंट्रीज थे जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड थे, लेकिन आज उन्होंने खुद को एक सस्टेन सिटी बना लिया है। दिल्ली जो है वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी एक कंसिडर हो गया। तो चाइना का भी हालत ऐसे था, तो चाइना ने खुद को कैसे सुधारा, हम लोग वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो वो जो कंसिडरेशन या वो जो एक फीचर्स हम लोग कंपेयर करेंगे, उसके लिए भी हम लोग ऐसे मैप्स यूज कर सकते हैं। उसके आगे डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, जैसे आप देख लो कि अभी का जो साइक्लोन आया था तो वो क्या था, डिजास्टर था, तो उससे हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं? सुनामी आएगा, अर्थक्वेक आएगा, हम लोग उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उसके अगेंस्ट हम लोगों को अगर कुछ प्रिपरेशन करना है वो हम लोग ऑफकोर्स कर सकते हैं। उसके आगे लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, यहाँ पे अगर आपको कहीं पे कोई कंपनी ओपन करना है या कोई फार्मिंग करना है तो हम लोग कौन से लैंड्स को यूज करेंगे ये कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस कोल माइंस होते हैं, तो वो कहाँ पे कोल माइंस आप लोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है, ये भी हम लोग यहाँ से पता चल सकता है। देन अर्बन मैनेजमेंट प्रॉपर्टी एंड टैक्सेशन एप्लीकेशन एज अ पार्ट ऑफ अर्बन GIS, वेयर मल्टी स्केल GIS सोल्यूशन फॉर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्बन एरियाज एंड ऑप्टिमाइजिंग टैक्स कलेक्शन कैन बी इनेबल्ड। तो कहाँ से कौन से एरिया से हम लोगों को ज़्यादा टैक्स मिल रहा है, तो कहाँ पर हम लोगों को फीचर्स क्या प्रोवाइड करने हैं, कहाँ पर नहीं करने हैं, ये सब भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम लोग बोलते हैं टैक्स कलेक्शन कहाँ कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ से टैक्स कलेक्शन कम आ रहा है, तो मतलब कहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम्स है ज़्यादा और कहाँ पे नहीं है, ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। गेटिंग? ये सब जो है ये हम लोगों के मेन पैटर्न्स है। उसके आगे रूरल एप्लीकेशंस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, रूरल रोड मैनेजमेंट है ना, विलेज डेवलपमेंट प्लानिंग एंड रूरल गवर्नमेंट सर्विसेज, ऐसे बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि कौन से एरियाज जो है अभी बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है या माल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चों को खाना नहीं मिलता है, तो आपको कहाँ से अपने फायर फाइटिंग फीचर्स जो है, सबसे ज्यादा आपको जो चैलेंजिंग पार्ट है हम लोग के स्टेट से वो कौन से है? नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको वहां पे क्या क्या चेंजेस करने हैं ये हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाइज बहुत जरूरी है ये भी। आप देख लो कि हम लोग के इंडियन के बहुत सारे मैप्स है जो बताते हैं कि जैसे आपने देखा रहेगा कि भूटान और इंडिया और चाइना के बीच में एक जो डोकलाम इशू चालू था, तो वो टाइम पे भी हम लोगों को मैप के थ्रू पता चलता है कि कौन से एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हम लोगों को उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, ये भी हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है। देन एविएशन है ना, जो एयरपोर्ट्स होते हैं तो वो एयर ट्रैफिक मॉनिटर करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? यूजिंग सच सिस्टम एज वेल GIS। तो यहाँ पे आप देख लो कि टेलीकॉम जो सर्विसेज है वो भी GIS यूज करते हैं। देन GIS के और भी एप्लीकेशन है, जैसे ऑयल फील्ड्स है, गैस है, वो सब है, वायरलेस या वेब सिस्टम्स के लिए है ना, हम लोग आज के टाइम पे GIS यूज करते हैं। PDAs है, मोबाइल्स है, इसमें भी GPS टेक्नोलॉजी जो रहता है वो भी इसी के थ्रू चलता है। उसके आगे हम लोग के पास 2D मैप्स होते हैं, 3D मैप्स रहते हैं ना, वो भी इसी के थ्रू वर्क करते हैं। इंश्योरेंस, रेल, बिजनेस, ये सब कुछ जो है GIS के एप्लीकेशन है, आज कल हर जगह पे हम लोग ये सेम पैटर्न यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ GIS, कौन से कंपोनेंट्स है? फर्स्ट अगर आप देखोगे, वी हैव GIS हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर मीन्स इज अ कंप्यूटर ऑन विच GIS ऑपरेट्स। टूडे GIS रन ऑन वाइड रेंज ऑफ हार्डवेयर टाइप्स, फ्रॉम सेंट्रलाइज कंप्यूटर सर्वर्स टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जैसे स्टैंड अलोन टू नेटवर्क कन्फिग्रेशन वाले हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम लोग इतना कुछ मॉनिटर कर रहे हैं तो वो टाइम पे वो सब चीज़ को प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए हम लोगों को उतने पावरफुल सर्वर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग GIS हार्डवेयर एक अलग टाइप के आते हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे। वैसे ही जब भी हम लोग कोई मैप बनाते हैं तो मैप बनाने के बाद उसके ऊपर डेटा भी ऐड करना पड़ता है, तो डेटाबेस के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक क्या होगा, DBMS होगा। जैसे बाकी जो है हम लोग कुछ क्वेरीज फायर कर सकते हैं ना उसी के ऊपर, जिसके थ्रू आपको, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुंबई में हम लोग के पास ICICI बैंक्स कहाँ पे, अगर वो हम लोग को चेक करना है तो हम लोगों ने बहुत सारा डेटा जो है वो ऑलरेडी फीड किया हुआ है सिस्टम में मैप के ऊपर,
जिसमें से जब भी हम लोग एक क्वेरी फायर करेंगे नॉर्मल जैसे डीबीएमएस में लिखते हैं वैसे ही क्वेरीज हम लोग जब भी फायर करते हैं तो वो टाइम पे हम लोग को यूनिक वैल्यूज फेच करके बताता है। सो टूल्स दैट सपोर्ट जियोग्राफिक क्वेरीज है ना, एनालाइज करेंगे, वर्चुअलाइजेशन होगा उसके ऊपर, उसके साथ जीयूआई भी आ सकते हैं वहां पे। देन जीआईएस डेटा मे बी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जीआईएस है ना, जियोग्राफिकल डेटा रिलेटेड टू टेबुलर डेटा आएंगे, मतलब हम लोगों ने टेबुलर पार्ट में उसको स्टोर करके रखा रहेगा जहाँ से हम लोग इन हाउस कुछ चीज़ें हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। कमर्शियल डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो डेटा कलेक्ट करके बाकी सबको सेल करेंगे जब ये उनको ज़रूरत रहेगा। सेम भी अगर आप देखोगे पीपल वाइज अगर देखेंगे, जीआईएस टेक्नोलॉजी इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू विदाउट द पीपल हु मैनेज द सिस्टम टू डेवलप प्लान फॉर अप्लाइंग इट। GIS users range from technical specialists to who design and maintain the system to those who use it to help them everyday work, है ना। तो daily अगर आपको एक best example देख लो कि आज के time में अगर हम लोग ओला use कर रहे हैं तो कहाँ तक है वो, कभी आएगा, ये सब के लिए भी हम लोग day to day life में भी वही use करते हैं ना, हम लोगों का GIS pattern ही use होता है। Methods बहुत सारे हो सकते हैं, I hope ये बहुत simple है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ना जियो स्पेशल डेटा होता क्या है, जियो स्पेशल डेटा तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एक छोटा सा मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ जियो स्पेशल डेटा जिसका लाइव एक एग्जांपल अगर देखेंगे जहाँ पे मतलब हम लोग के गवर्नमेंट्स इसको मेनली यूज कर रहे हैं। आप अगर ये देखोगे ना ये वाला पार्ट, ये है हम लोग के SDG गोल्स मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये सब करते क्या है, फर्स्ट वी हैव 17 गोल्स जो इंडिया में जितने ज़्यादा लोग हैं वो सबको एक अच्छा बेटर कंट्री बनाने के लिए, नॉट जस्ट इंडिया वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज जो है ना ये गोल्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपको सबसे पहले पॉवर्टी ख़त्म करना है, पॉवर्टी कैसे ख़त्म करेंगे, आपको जीरो हंगर लेके आना है, मतलब कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भूखा नहीं रहेगा तो उसके साथ क्या होगा, हेल्थ मेंटेन होगा, अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम लोग उसको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर एजुकेशन कभी प्रोवाइड होगा, जब भी जेंडर इक्वालिटी रहेगा, जेंडर इक्वालिटी आएगा तो क्या होगा, जो वाटर एंड सैनिटेशन है वो इकोनॉमी आपका ऊपर जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है आपको, तो ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग ये जियो स्पेशल जो डेटा है, सॉरी जियो स्पेशल जो डेटा है इसके थ्रू हम लोग ये सब चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन से स्टेट में ये गोल्स जो है वो अचीव हो रहे हैं, कौन से स्टेट में ये गोल्स अचीव नहीं हो रहे। जैसे आपने देखा रहेगा कि अभी भी बहुत जगह पे स्टंटेंट ग्रोथ होता है, खाना नहीं मिलता है प्रॉपरली, या फिर वहाँ पे बहुत जगह पे लोग बच्चे जो है अभी भी मर जाते हैं बिना खाए, या कहीं पे मलेरिया या डेंगू या ऐसे कोई डिजीज़ के वजह से वो उनका डेथ होता है। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ का ये हालत है। तो ये हम लोगों को पता कैसे चलता है कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है और हम लोगों को कैसे उसको टैकल करना है, तो उसके लिए भी हम लोग जियो स्पेशल जो डेटा है उसका यूज करते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा कि पोलियो जो है हम लोगों ने ऑलमोस्ट वी हैव इराडिकेटेड पोलियो फ्रॉम इंडिया। तो अगर हम लोगों ने उसको इराडिकेट कर दिया है तो ये हम लोगों को कैसे पता चला, हम लोगों ने सारे हर एक स्टेट का सर्वे किया और वो सर्वे में हम लोगों ने चेक किया कि कौन से कितने अभी ऐसे स्टेट है जहाँ पे अभी भी किसी ना किसी को पोलियो है, या कौन से ऐसे स्टेट से जहाँ पे अभी पोलियो नहीं है। देन डायबिटीज़ की बात करें हम लोग, तो इंडिया में आज के टाइम पे डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा है, ये कैसे पता चला, तो उसके लिए भी हम लोगों ने यही किया। तो हम लोग जब भी एक अच्छा स्टेट या अच्छा कंट्री बनाने की बात करते तो वहाँ पे हम लोगों को ये 17 गोल्स है, ये गोल्स अचीव करने पड़ते हैं। तो ये गोल्स अचीव करने के लिए भी हम लोगों को ये जो एक GIS पैटर्न है ना इसी का यूज़ करना पड़ता है। मतलब हम लोग बता रहे हैं कि चलो यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम लोग अगर सर्वे करेंगे तो वो सर्वे के बेस के ऊपर हम लोग बता सकते हैं कि उनको हम लोगों ने प्रॉपर राशन प्रोवाइड किया, वहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उनके हेल्थ वाइज जो है ज़्यादा हम लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कुछ न्यू रिकॉर्ड नहीं मिला, कुछ न्यू हम लोगों को डिजीज़ वहाँ पे वापस पिक्चर में नहीं आ रहे है, प्लस उनको जॉब्स प्रॉपर मिल रहा है। क्यों जॉब्स मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई एक न्यू कंपनी खुल गया है तो इकोनॉमिकली भी वो ज़्यादा सेटल हो रहे हैं, है ना। ये सब हम लोग चीज़ मॉनिटर करते हैं। तो ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए ऐड किया था। तो जियो स्पेशल डेटा आर अ डेटा दैट डिस्क्राइब बोथ द लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेशल फीचर, है ना। स्पेशल मतलब विच इज़ रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर स्पेस से हम लोग जिसको रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रोड हो सकते हैं, लैंड पार्सल हो सकते हैं, वेजिटेबल स्टैंड्स हो सकते हैं, अर्थ सरफेस हो सकता है, और ये सब जो लोकेशन होते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्री और शेप ऑल्सो रिप्रेजेंट स्पेशल डेटा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंडिया अगर आप देखोगे, जैसे ये इंडिया का मैप है,
तो इंडिया ये वाला मैप देखते हैं। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे ये पर्टिकुलर मैप में, तो हम लोगों को क्या बेनिफिट है, ये कैसे पता चलता है? तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हम लोग जो है ऊपर वाला, जो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ऊपर वाला जो पार्ट है, सॉरी, ये देखिए, ये ऊपर वाला जो पार्ट है हम लोगों का, ये लैंडलॉक्ड है। मतलब यहाँ पे कोई सी या पोर्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो सी और पोर्ट है वो कहाँ पे है? यहाँ पे, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशियन है। तो मतलब यहाँ जो है, ये वाला जो हम लोगों का पार्ट है ना, ये वाला पार्ट से हम लोग दूसरे कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको अगर कुछ चीज़ें अगर यहाँ पे डिलीवर करने हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, वो भी यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। तो मतलब हम लोगों ने यहाँ से ये समझा कि अगर आपको बाहर से अगर कुछ सामान लाना है और उसको अगर एमपी में पहुंचाना है, तो अगर वो अफ्रीकन कंट्री के साइड से आता है तो हम लोग उसको मुंबई पोर्ट पे लेके जाएंगे, जहाँ से हम लोग उसको ट्रेन या रेल रूट से लेके जा सकते हैं। देन अगर अगर कोई सामान जो है वो अगर ये साइड से आ रहा है, बे ऑफ बंगाल साइड से, है ना, ऑस्ट्रेलिया साइड से आ रहा है, चाइना साइड से आ रहा है, जापान साइड से आ रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, बिकॉज ये साइड पे जापान और वो सब आता है, राइट। तो यहाँ से आपको अगर कहीं पे पहुँचाना है तो हम लोग के पौंडीचेरी एक यहाँ पे पोर्ट हो गया, भुवनेश्वर साइड पे है ना, ये सब जो ये वाले कंट्री पे जो आ रहे हैं, तो ये हम लोग समझ पाते हैं। जब भी हम लोगों के पास ऐसे मैप्स रहेंगे तो हम लोग इजीली समझ पाते हैं। और उसके साथ हम लोग ये भी समझ पाते हैं, जैसे आपने देखा रहेगा कि बहुत बार तमिलनाडु वाले जो हम लोग के फिशरीज फिशरमैन्स है वो श्रीलंका पहुंच जाते हैं। तो वो क्यों पहुंचते? बिकॉज यहाँ पे बहुत एक नैरो नैरो एक लाइन है। तो बहुत बार हम लोगों के जो ये फिशरमैन्स है उनको पता नहीं चलता है कि वो उन्होंने इंटरनेशनल वाटर लाइन जो है वो क्रॉस कर दिया। उसके साथ यहाँ पे हम लोग के पास पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पे हम लोग के कुछ कंडीशन स्टडी करना है, यहाँ पे क्या बिजनेस है। तो हम लोग के पास जब भी क्लियर मैप रहेगा, उसके ऊपर प्रॉपर डेटा इंटीग्रेट किया रहेगा, तो ही हम लोग को काम में आएगा। तो आप देखिए, जब भी हम लोग ऐसे शेप्स को प्रॉपर स्टडी करते हैं और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्पेशल डेटा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये स्पेशल डेटा ऐड किया ना, जहाँ पे वो पॉपुलेशन वाला बता रहा है, ये छोड़ के हम लोग और भी कुछ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ पॉपुलेशन वाला ग्राफ नहीं है, ऐसे बहुत सारे मैप्स मिलेंगे आपको, राइट। सो स्पेशल डेटा डिस्क्राइब लोकेशन ऑफ अ स्पेशल फीचर्स, है ना, अलग अलग फीचर हो सकते हैं, जैसे कहाँ पे आपको वेल्स है, रोड्स कहाँ पे है, एरिया के बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज कहाँ पे है, ये सब बताएगा। आप ये देखिए, ये जो मैप है यहाँ पे, ये ऊपर वाला ये पार्ट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम लोगों का ये वाला जो पार्ट है, ये डॉटेड लाइन अगर आप देखोगे उसमें, ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान के पास है, पीओके है ये। देन ये वाला जो पार्ट है ये अक्साई चीन है, मतलब ये चाइना के अंडर है। सेम वे यहाँ पे वापस थोड़ा पार्ट है जो अगेन वापस चाइना के अंडर है। तो ये सब जो है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं। एलिवेशंस कहाँ पे, अब देखिए कि हम लोगों के पास अगर आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आप देखिए बहुत बार ऐसे होता है ना कि यहाँ पे रिवर्स बहुत ज़्यादा है, तो बहुत बार यहाँ पे फ्लड्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे पानी नहीं मिलता लोगों को। महाराष्ट्र में बहुत सारे स्टेट्स है, लोकेशन है ऐसे। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या, यहाँ से पानी यहाँ तक लेके आए? नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम लोगों ने स्टडी किया तो पता चला कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो है ये ऊपर है, हाइटेड पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये लोअर पार्ट है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो पानी इजीली आ जाता। ये रिवर्स है, यहाँ पे जो है हाइट थोड़ा बढ़ते जाता है। तो अगर हाइट बढ़ते जाएगा, जैसे आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे वेस्टर्न वेस्टर्न पार्ट जो है हम लोगों का, वेस्टर्न कोस्ट जो आता है ना, उसमें भी ऐसे ही है। यहाँ पे एवरेस्ट का हाइट छोटा है और यहाँ पे जाते जाते वो एवरेस्ट का हाइट बढ़ते जाता है। सेम वे यहाँ पे ये जो स्टेट्स है ये थोड़े डाउन साइड है, और ये जो है ये थोड़े हाइटेड रीजन पे। तो अभी पानी ऊपर से नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, ये डिफिकल्टी है, राइट। तो इसके लिए हम लोग चाहते हुए भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये जो वाटर जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, वहाँ से वाटर स्कार्स एरियाज जो है वहाँ पे आप वाटर पहुँचा सको। लेकिन हम लोग कोई दूसरे रास्ते तो निकाल सकते हैं, ये तो हम लोग ऐसे मैप्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। याद रखिए, ये आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए। सो ये हम लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। नाउ जब भी हम लोग जीआईएस का स्टडी करते हैं ना, तो दो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। मैप जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट जिसको हम लोग वेक्टर भी बोलते हैं, दूसरा होता है कंटिन्यूअस मैप जिसको रास्टर डेटा भी बोलते हैं। तो डिस्क्रीट या रास्टर या कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है? आप देखिए, ये डिस्क्रीट पार्ट है,
मतलब पूरे मैप में सर्टन चीजें ही हम लोग बता रहे हैं, जैसे कोई कंपनी का इंफॉर्मेशन बता रहे हैं या कोई कॉलेज का बता रहे हैं, जो यूजर ने डिमांड किया रहेगा। इन शॉर्ट कंटिन्यूअस में हम लोग वो एरिया का पूरा मैप बता रहे हैं, जितना भी डेटा हम लोग के पास है सारा। आई होप इट इज क्लियर। डिस्क्रीट वेक्टर, कंटिन्यूअस रास्टर। नाउ नेक्स्ट, अगर आप देखोगे हम लोगों को ये सारे टर्म समझने हैं, डेटा मॉडल्स, टोपोलॉजी, प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूट टाइप, है ना, जॉइनिंग स्पेशल एंड एट्रीब्यूट डेटा क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वापस एक बार समझते हैं। रास्टर, रास्टर मैप या रास्टर डेटा या इमेज क्या होता है। जब भी हम लोग, आपने देखा रहेगा कि ऐसे स्क्वायर स्क्वायर होता है, आपने का अगर वर्ल्ड मैप भी देखा रहेगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर होता है ना ऐसे। ये स्क्वायर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, मतलब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जिसके बेस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे जो स्क्वायर स्क्वायर पार्ट होते हैं, है ना, इसको हम लोग रास्टर इमेज बोलते हैं, राइट। और उसके ऊपर जब भी हम लोग अपने नॉर्मल एरियाज के मैप्स को ऐड करते हैं तो उसके थ्रू हम लोग इजीली इंटरप्रेट कर पाते हैं कि अगर ये वाले स्क्वायर्स इतने, ये पर्टिकुलर कोई ग्रीन लैंड पे या मार्शी लैंड पे आ रहे हैं तो हम लोगों का ये जो मार्शी लैंड है उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, राइट। और ये रास्टर को और ये हम लोगों ने बनाए हुए मैप को जब भी हम लोग रियल वर्ल्ड में ऐड करते हैं, है ना, तो ये जो पैटर्न होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं डेटा मॉडल्स। सो डेटा मॉडल डिफाइन हाउ स्पेशल फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन जीआईएस। तो हम लोगों ने रास्टर एंड वेक्टर मैप को जब भी रियल हम लोगों के जो मैप है इसके साथ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा मॉडल्स। दो टाइप के डेटा मॉडल है, समझ लिया हम लोगों ने, एक जो आपके कोऑर्डिनेट्स बताता है, एक जो हम लोग जो रियल मैप जो बना रहे हैं वो बताता है। इसको हम लोग दो टाइप के मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं, रास्टर डेटा मॉडल एंड वेक्टर डेटा मॉडल। आई होप इट इज क्लियर। तो ये प्रॉपरली याद रखना है, व्हाट डू मीन बाय डेटा मॉडल्स। जब भी हम लोग बहुत सारे डेटा को, स्पेशल फीचर्स को जब भी जीआईएस के थ्रू हम लोग ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स वाला पैटर्न ऐड किया, यहाँ पे हम लोगों ने मैप ऐड किया और इसको हम लोग रियल वर्ल्ड से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे दो टाइप के डेटा मॉडल रहते हैं, एक रास्टर एक होता है वेक्टर। रास्टर डेटा मॉडल क्या यूज करेंगे, ग्रिड पैटर्न, है ना, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर रहता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। ग्रीड सेल्स रहेंगे दैट रिप्रेजेंट स्पेशल वेरिएशन ऑफ फीचर्स, एंड रास्टर डेटा मॉडल्स यूजेस सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, है ना, सिंपल मैप बता रहे हैं, ऐसे यहाँ पे कोई ग्रीड पैटर्न या स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, है ना, तो डेटा स्ट्रक्चर विद रोज एंड कॉलम्स, है ना, फिक्स लोकेशंस। देन नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है, वेक्टर डेटा मॉडल यूजेस पॉइंट लाइक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। आई होप आप समझ सकते हो अभी। नेक्स्ट समझते हैं टोपोलॉजी। तो अगर टोपोलॉजी बहुत सिंपल वे में समझना है, ये हम लोग के टोपोलॉजीज होते हैं। एक जहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट्स एंड लाइंस कनेक्ट किए हैं तो इसको आप क्या बोलोगे, नोड टोपोलॉजी, है ना, आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी पढ़ा रहेगा, ये डॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड टोपोलॉजी। रीजन टोपोलॉजी जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रीजन बता रहे हैं। देन अगर आप नेक्स्ट देखोगे ना, लाइन फीचर बताया, जहाँ पे एक लाइन को हम लोग दूसरे लाइन से सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अलग है, एंड पॉइंट्स बता रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन फीचर कैन शेयर एंड पॉइंट, है ना, एंड पॉइंट वर्टाइसिस विद पॉइंट फीचर्स। सेम वे यहाँ पे आप देख लिए, पॉइंट इवेंट्स है, कंटिन्यूअस हम लोग किसी को मॉनिटर ट्रैक कर रहे हैं, वो आ गया। रूट टोपोलॉजी, हम लोग एक रूट बता रहे हैं, देन यहाँ पे दो पॉलीगॉन, दो एरिया हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, दो स्टेट को हम लोगों ने ज्वाइन किया है, तो ये हम लोग के टोपोलॉजीज होता है, ये आपको प्रॉपरली याद रखना है। सो टोपोलॉजी एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटली द स्पेशल रिलेशन बिटवीन फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल टू लाइन मीटिंग परफेक्टली, है ना, यहाँ पे दो लाइन मिल रहे हैं, या फिर यहाँ पे आप देख लीजिए कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ बता रहे हैं, तो ऐसे कोई भी जो चीज़ों को जब भी हम लोग एक्सप्लिसिटली, है ना, लेफ्ट टू राइट साइड अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कैसे डायरेक्शन में बता रहे हैं, ये सब जो एक पैटर्न हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस मतलब कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्टर क्या होता है, कुछ तो चीज़ आपको प्रोजेक्ट करना है ना, बताना है, तो उसको हम लोग प्रोजेक्टर बोलते हैं। द प्रोजेक्शन इज अ प्रोसेस दैट कैन ट्रांसफॉर्म द अर्थ सर्फेस टू अ प्लेन सर्फेस एंड ब्रिज टू स्पेशल सिस्टम्स। मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग के पास ये तीन टाइप के प्रोजेक्शन है, एक होता है एजीमुथल होता है प्रोजेक्शन, जहाँ पे हम लोग टॉप साइड से, है ना, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल कहाँ पे होता है, सबसे ऊपर, आगे हम लोग वापस समझेंगे, तो अर्थ का जो सबसे टॉप पार्ट रहता है वो नॉर्थ पोल रहता है, तो नॉर्थ पोल साइड से अगर आपको पूरे अर्थ को अगर स्टडी करना है उसको हम लोग एजीमुथल प्रोजेक्शन बोलते हैं, ऊपर टॉप साइड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन मतलब हम लोग जो नॉर्मल मैप पढ़ते हैं ना, जहाँ पे आप देख लीजिए हम लोग सीधा एक मैप को बना रहे, टॉप या डाउन साइड से नहीं, हम लोग फ्रंट साइड से पढ़ रहे,
एंड एक होता है कॉनिक प्रोजेक्शन. कॉनिक प्रोजेक्शन मीन्स यहाँ से हम लोग एक सेंटर से बाकी के सारे स्टेट्स को समझ रहे हैं उसको, नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ साइड से. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है डायग्राम देख के. तो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्शंस रहते हैं जिससे हम लोग मैप को अलग अलग वे में प्रोजेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे वही आपको समझना है. द लोकेशन ऑफ स्पेशल फीचर्स ऑन अर्थ सर्फेस आर बेस्ड ऑन जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स सिस्टम विद लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड एंड वैल्यू. तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है आप, आई होप आपको समझ में आ गया. और वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस रहते हैं. इट मींस वी टॉक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस. सो दिस आर द प्रोजेक्शंस. वापस आगे भी हम लोगों को ये वापस समझने हैं आगे भी और क्वेश्चंस में. एट्रीब्यूट डेटा मतलब जब भी हम लोग यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल वे में समझते हैं. ये हम लोग के पास स्पेशल डेटा होता है. स्पेशल डेटा मीन्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यू आएंगे हम लोग के पास. एलिवेशन कितना है, जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग का जो मैप में मैंने आपको समझाया ना कि ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा नीचे के साइड पे है, साउथ वाला पार्ट जो है वो थोड़ा हिली है ज्यादा, है ना. तो ये ज्यादा हाइटेड है, ये थोड़ा कम हाइटेड है. तो यहाँ पे एलिवेशन कितने फीट से है, कौन से एरिया में, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स क्या है, और उसके साथ हम लोग एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई तो एक मैप यहाँ पे देखा, ये हम लोगों ने एरिया यहाँ पे चेक किया, सपोज रायपुर है. तो इसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है, एलिवेशन कितना है उसका, इसको हम लोग स्पेशल डेटा बोलेंगे. और ये रायपुर है ये कैसे पता चला, हम लोगों ने अलग से एट्रीब्यूट ऐड किए. यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखा, रायपुर लिखा, ये स्टार यहाँ पे ऐड किया. तो ये जो भी हम लोग सिटी के नाम, उसका डिस्टेंस कितना है, वहाँ पे हम लोग कुछ सर्विस डेट कुछ तो अलग से, ये जो वर्ड्स या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो भी चीज है ऐड करता है उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. आई होप ये बहुत सिंपल है. तो आप भी जब भी मैप में कोई हॉस्पिटल ये वो उसका एड्रेसेस देखते हो ना, तो आप जब भी कोई कोऑर्डिनेट पे जाते हो तो आपको उसका एड्रेस उसका बाकी का इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में लिखा हुआ आता है ना, जो हम लोग इजीली समझ सकते हैं. ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग थोड़ी समझ सकते हैं. ये स्पेशल डेटा हो गया जो हम लोगों ने टेबल में ऐड किया है जिसके ऊपर क्वेरी फायर होगा. लेकिन जब भी वो लोकेशन बताएगा तो उसके ऊपर हम लोग ह्यूमन समझ सके ऐसी कुछ चीजें दिखने चाहिए. तो वो जो चीजें हम लोग ऐड करते हैं वो एट्रीब्यूट डेटा होता है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पेशल डेटा वो क्या बताता है, कहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स बताएगा ना, कार्टोग्राफिक फीचर्स क्या बताएगा, पॉइंट लाइन पॉलीगॉन्स. एंड एट्रीब्यूट क्या बताएगा, इन्फॉर्मेशन दैट डिफाइंस द डिस्क्राइब और दैट डिस्क्राइब्स ईच फीचर. जैसे ये कोऑर्डिनेट के ऊपर हॉस्पिटल है कॉलेज है क्या है ये डिस्क्राइब कर रहा है ना, इट डिस्क्राइब्स व्हाट एक्चुअली प्रेजेंट एट दैट लोकेशन. और वो लोकेशन पे वो कहाँ पे प्रेजेंट है हॉस्पिटल या कॉलेज, वेयर इट इज प्रेजेंट, उसके कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा, स्पेशल डेटा. आई होप ये दो वर्ड्स क्लियर है आपको, बहुत क्लियर होने चाहिए. बिकॉज अगर ये यूनिट वन अगर क्लियर है तो आगे का पार्ट क्लियर होगा. ये बहुत जरूरी है बिकॉज डायरेक्टली हम लोग एग्जाम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर सकते. फिर भी जहाँ जहाँ पे मुझे याद आया उतने मैंने ईयर्स तो ऐड किए हैं. थोड़े बहुत जो मैंने मिस किए हैं वो जैसे ये यूनिट कंप्लीट होगा ना एंड में मैं वापस आपको बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस है जो आप ये डायरेक्ट नोट्स में से रेफर कर सकते हो. सो एट्रीब्यूट्स डेटा डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेशल फीचर्स, है ना. फॉर रास्टर डेटा, रास्टर एंड वेक्टर डिफरेंस क्या होता है, रास्टर ग्रिड पैटर्न होता है, वेक्टर नॉर्मल हम लोग मैप बना रहे हैं ना. सो आई होप ये सब क्लियर है आपको. मैंने हर एक जगह पे जितना जरूरत रहेगा उतने जगह पे मैंने, है ना, इसकी के लिए फोटोज या मैप्स या डायग्राम्स ऐड किए. अभी ज्वाइनिंग स्पेशल डेटा विद एट्रीब्यूट डेटा. तो जियो लोकेशन डेटा मॉडल, डेटा मॉडल कैसे बनेगा, जब भी हम लोग एट्रीब्यूट और स्पेशल को ज्वाइन करेंगे, है ना. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये दोनों को कंबाइन किया, वो कंबाइन करेंगे तभी तो एक अच्छा सा हम लोगों को मैप मिलेगा जो हम लोग यूज कर पाएंगे, राइट. सो जियो रिलेशनल डेटा मॉडल स्टोर्स एट्रीब्यूट दैट सेपरेटली फ्रॉम स्पेशल डेटा इन अ स्प्लिट सिस्टम. आई होप इट इज क्लियर. टू फीचर्स आर लिंक्ड थ्रू फीचर आईडीज. ये बेसिक है, आप पढ़ लेना अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम. बहुत सिंपल है, कोऑर्डिनेट्स बताना एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट्स है. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा कुछ जियोग्राफी समझना जरूरी रहेगा, आपके सिलेबस में भी है. तो उतना हम लोग जितना जरूरी है उतना जियोग्राफी रिवाइज कर लेंगे. कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ रेफरेंस सिस्टम यूजिंग लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन टू और थ्री डायमेंशनल स्पेस. टू डायमेंशनल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे, थ्री डायमेंशनल में क्या आएगा, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स आएंगे. जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स कौन से रहते हैं, जैसे अगर आप फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे इन दिस डायग्राम वी हैव समथिंग लाइक यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल है, सेंटर में हम लोग एक लाइन रहता है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर. और ये सेंटर को हम लोग जीरो डिग्री बोलते हैं.
और उसके आगे एवरी 15 डिग्री के ऊपर आपको एक न्यू लाइन मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, ये हम लोगों का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहते हैं इसको, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है इसको हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये लैटिट्यूड्स अगर आप देखोगे कितने डिग्रीज पे है, 15 डिग्रीज पे, तो 15 डिग्री है, देन प्लस 15 30 हुआ, प्लस 15 45 हुआ, 60 75 90, देन अगेन यहाँ पे भी वो सेम वे में चलेगा। तो ये हम लोगों का क्या है, ये बेसिक पैटर्न है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड्स, ये हम लोगों ने एक स्टडी करते हैं हम लोग अर्थ का, ऐसे हम लोगों ने अर्थ को डिवाइड किया बहुत सारे पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मीन्स लाइक दिस, क्लियर है ना। ये वे में हम लोग अर्थ को जब भी डिवाइड करते हैं उसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, अगर वर्टिकल वे में डिवाइड करेंगे उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑल्सो नोन एज ग्लोबल और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है ना, रेफरेंस द सिस्टम दैट यूजेस थ्री डायमेंशनल स्पेरिकल सरफेस टू डिटरमाइन लोकेशंस ऑन अर्थ। तो जब भी हम लोग ये इक्वेटर बता रहे हैं, जीरो डिग्री है, जीरो डिग्री से आप कितने डिग्री की बात कर रहे हो, 45 डिग्री, ऑन विच साइड, नॉर्थ साइड या साउथ साइड, है ना, प्लस 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री, कौन से कितने डिग्री की बात कर रहे हैं, कौन से साइड पे बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट समस्या, नाउ लैटिट्यूड बहुत सिंपल वे में दिया है, आप अगर इतना याद रखो तो बहुत है। लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस है ना, एंगुलर डिस्टेंस, लैटिट्यूड क्या रहेंगे, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अ इक्वेटर। तो ये हम लोगों का इक्वेटर है, ये इक्वेटर से एंगुलर स्पेस मतलब 60 डिग्री ऑन साउथ, क्लियर है, प्लस 60 डिग्री, ये माइनस 60 डिग्री कहाँ पे है वो। सो ऑल लैटिट्यूड आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दिख रहा है ना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है हम लोगों के। नेक्स्ट क्या बोला है, दे आर कॉल्ड पैरेलल एज वेल, सो इसको पैरेलल्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या है, पैरेलल है ना, डायरेक्टली अर्थ के पैरेलल है, तो इसको हम लोग पैरेलल भी बोलते हैं या लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और सेंटर में जो लाइन होता है उसको इक्वेटर बोलते हैं। उसी के साथ और समझना है कुछ, इक्वेटर देन 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, तो जो नॉर्थ साइड 24.5 डिग्री होता है उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, है ना, और यहाँ पे ये जो है ये हम लोगों का ट्रॉपिकल जोन है, एक साइड आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एक साइड आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आई होप इट इज क्लियर। और इंडिया जो है वो ये साइड पे आता है लोकेशन पे, प्लस और माइनस डिग्री कहाँ पे रहेंगे वो समझते हैं। साउथ पोल होता है, ये हम लोग का पोलार जोन है, यहाँ पे ये हम लोग का पोलार जोन है, ये हम लोग का पार्ट है जहाँ पे अर्थ के जो रेज है वो डायरेक्ट आते हैं, राइट। आपने अगर देखा रहेगा सोलर अलायंस हुआ, अगर आपने तो कुछ थोड़ा सा न्यूज देखा रहेगा, सुना रहेगा, तो सोलर अलायंस मीन्स आपने देखा रहेगा कि इंडिया में बहुत सारी जगह पे आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल्स यूज कर रहे हैं। तो सोलर पैनल सिर्फ हम लोग यूज नहीं कर रहे, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ है जहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि आपको नॉट जस्ट इंडिया, बाकी सारे कंट्रीज जो है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच में आ रहे हैं ना, उनको क्या करना है, सोलर पैनल्स यूज करना चालू करना है। तो ये हम लोगों को कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ सच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। इंडिया कहाँ पे आता है ये भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, वही सेम समस्या, देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया हम लोगों का, ये हम लोग के ऐसे कंट्रीज हो गए जिनके ऊपर सन रेज डायरेक्ट आते हैं, मतलब उनके पास इतना सनलाइट आता है कि वो डायरेक्ट अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो आप अगर देखोगे ना यहाँ पे ये ऐसा ही एक मैप दिया है, ये देखिए इतने सारे कंट्रीज है, जैसे हम लोगों का ये जो ये अमेरिकन कंट्रीज है ना, ये हम लोगों के अमेरिकन के ब्राज़ील और वो सब आता है यहाँ पे, ये हम लोग का ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आ रहा है, थोड़ा अफ्रीकन मोस्ट ऑफ कंट्रीज यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, इंडिया आ रहा है, चाइना का थोड़ा पार्ट आ रहा है यहाँ पे, म्यांमार आता है ना, और भी बहुत सारे कंट्रीज है। तो ये सब कंट्रीज ने साथ में मिलके क्या किया है, एक अलायंस बनाया जिसको हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं। तो ये कहाँ से है, कैसे है, ये कैसे पता चलता है, हम लोग जो टाइम जोन्स ऐड करते हैं वो कैसे पता चलता है, देखिए यहाँ पे भी वो सेम चीज बताना, अलग अलग टाइम जोन्स है, ये भी कैसे पता चलता है, ये भी उसी के थ्रू पता चलता है, वो हम भी हम लोग आगे समझेंगे। नाउ लार्जेस्ट लैटिट्यूड उसको क्या बोलते हैं, जो सबसे लंबा लाइन है ना, जो सबसे लंबा लाइन है, जो सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, पैरेलल है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ट्रॉपिक्स होते हैं है ना, हीट सरप्लस एरियाज होते हैं, हीट सरप्लस एरिया कोई कोई होते हैं, और कोई हीट डेफिसिट एरियाज होते हैं, मतलब सरप्लस एरिया कौन से होते हैं, मतलब जहाँ पे हीट ज्यादा होता है वो कौन से है, जो जहाँ पे सनरेज डायरेक्ट आ रहे हैं, और वो कौन से है, ये वाले जो रेड वाला पार्ट है, और ये डेफिसिट रीजन कौन सा है, ये वाले ग्रीन वाले, और उससे भी कम था जो लोकेशन है वो कौन सा है, ये वाला है ना। तो
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे कि हम लोगों का एक जो डाउन साइड वाला जो पार्ट है अटलांटिक है, वहाँ पे लोग रहते नहीं है, वहाँ पे आपको एनिमल्स भी बहुत कम मिलते हैं, खाली इंडिया का, यूएस के और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ के रिसर्च सेंटर्स वहाँ पे। तो हम लोग बहुत सारे रिसर्च वहाँ पे करते हैं, सो दैट हम लोग ऐसे एरियाज़ में रिसर्च नहीं करेंगे जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, सो दैट उनके हेल्थ को या उनको कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ऐसे हम लोग जो बहुत ऐसे प्लेसेस रहते हैं जहाँ पे अगर आप टेम्परेचर देखोगे ना -33 डिग्री है, जहाँ पे लाइफ सस्टेनेबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमंस को रहने को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो ऐसे लोकेशन के ऊपर हम लोगों का भी एक रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, यूएस का भी है, चाइना का भी है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ का। मतलब ये जो है ना, ये अटलांटिक वाला जो पार्ट है जो रिसेंटली ही इन्वेंट हुआ है, रिसेंटली पता चला है हम लोगों को, तो ये वाला जो पार्ट है ये कोई कंट्री को बिलोंग नहीं करता, सारे कंट्रीज साथ में मिल बांट के ये एरिया यूज करते हैं। प्लस हम लोग अगर बात करते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा बड़े बड़े आइस शीट्स है, ये आइस शीट्स जो है ये मेल्ट होंगे। तो अगर ये मेल्ट होंगे तो हम लोग के बहुत सारे कंट्रीज, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ये एरिया, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, तो बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज जो है ना वो आइलैंड कंट्रीज है, और अगर सी का टेम्परेचर अगर राइज होता है तो बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज जो है ना वो डायरेक्टली वॉश आउट हो जाएंगे, मैप पे कभी दिखेंगे ही नहीं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे छोटे छोटे कंट्रीज है, ये कंट्रीज आगे दिखेंगे ही नहीं कभी। तो इसके लिए हम लोगों को समझना है कि अगर हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, मतलब यहाँ के आइस शीट्स जो है वो पिघलते हैं, और ये एरिया इतना बड़ा है कि इंडिया भी बहुत छोटा है इसके सामने, उससे भी बड़े बड़ा एरिया है ये जहाँ पे पूरा आइस ही आइस है। नाउ पोल्स समझते हैं, पोल्स क्या होते हैं। द जियोग्राफिकल पोल ऑफ अर्थ इज डिफाइंड एज इधर टू पॉइंट्स और वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ईच डिग्री मैच, है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। इक्वेटर मैंने ऑलरेडी बता दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल दो पोल्स होते हैं। देन हम लोग टाइम जोन जो कैलकुलेट करते हैं वो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, ये हम लोग का प्राइम मेरिडियन है, इसको ग्रीनविच भी बोलते हैं। मतलब आप अगर देखोगे, देखो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिडियन, 0 डिग्री को हम लोग ग्रीनविच बोलते हैं। ग्रीनविच इज अ सिटी इन यूके जहाँ पे हम लोगों ने आइडिया डिफाइन किया था लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला, तो वो 180 डिग्री इंटरनेशनल डेटलाइन भी एक होता है। तो ये जो इंटरनेशनल डेटलाइन है, मतलब ये जब दूसरे साइड पे जाता है, ये हम लोगों का 180 डिग्री डेटलाइन हुआ। ये डेटलाइन के ये साइड वाले जो कंट्रीज है यहाँ पे अगर हम लोग हैं, तो हम लोग एक दिन आपको एक दिन ज़्यादा आगे चलोगे। जैसे अगर यहाँ पे 6 तारीख है तो यहाँ पे 5 तारीख रहेगा, यहाँ पे अगर 7 तारीख है तो यहाँ पे 6 तारीख रहेगा। यहाँ पे जब भी हम लोग 31st मनाते हैं, यहाँ पे ये लोग 30th December मनाते हैं। यहाँ पे जब भी 1st January होगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 31st December होगा। सो अगर आप न्यू ईयर यहाँ पे मना चुके हो, जैसे अलास्का में मना चुके हो, आप रशिया में चले जाओ, आपको वहाँ पे वापस न्यू ईयर मनाने मिलेगा, है ना। डेटिंग ये होता है बेसिक, डेटम क्या होता है, डेटम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखोगे ये देखो हम लोगों का अर्थ जो हम लोग बताते हैं सर्कल बनाते हैं ना, एक सिंपल सा स्फेयर बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया अर्थ एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, कहाँ कहाँ पे सीज है, कहाँ कहाँ पे एवरेस्ट है। तो मतलब अर्थ को अगर हम लोग एक्चुअल बनाने की ट्राई करेंगे तो वो ऐसा जिगजैग पैटर्न बनेगा, एक स्मूथ सरफेस हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो द अर्थ लुक्स लाइक अ स्मूथ एलिप्सॉइड बट इट इज एक्चुअली क्वाइट अनइवन, है ना, हर एक जगह पे वो स्ट्रेट ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ पे सी रहेंगे वहाँ पे वो एक स्मूथ एज मिलेगा हम लोगों को, लेकिन जैसे ही एक लैंड एरिया चालू होगा, लैंड बॉर्डर चालू होगा, तो वहाँ पे एवरेस्ट हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो वो ऐसा अनइवन होगा। सो ये सेम चीज दिया है। तो जब भी हम लोग, डेटम इज अ मैथमेटिकल मॉडल, मतलब हम लोग जब भी एक अर्थ का स्फीयर कैलकुलेट करते हैं, तो वो टाइम पे हम लोग ये देखिए ये रेड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये रेड लाइन के हिसाब से हम लोग बताते हैं कि अर्थ कितना राउंड है, कितना उसका एरिया है ये। तो डेटम इज अ मैथमेटिकल मॉडल दैट अप्रोक्सीमेट्स द शेप ऑफ द अर्थ। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको जिगजैग को हटा के डायरेक्टली एक स्क्वायर सर्कल पार्ट बता दिया। तो ये एक्चुअल तो नहीं है, बट इट इनेबल्स अ एक्यूरेट पोजीशन लेंथ एंड एरिया सर्कुलेशन, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए WGS 84, ये हम लोग डेटम अगर आप देखोगे ना, ये रेड लाइन पे बना हुआ है, ये हम लोग वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। उसके आगे ये जो WGS 84 है वो क्या है, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984 में बना था ये।
नाउ गूगल अर्थ एंड मोस्ट स्मार्टफोन डिस्प्ले डिवाइसेस, ये वाला लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यूज कर दे, कौन सा वाला डेटम का, WGS 84 वाला। अगर आप नेक्स्ट टाइम स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, गूगल अर्थ यूज कर रहे हो, तो आपका लोकेशन या अर्थ पे कौन सा स्टेट कितने डिस्टेंस पे है, कहाँ पे उसका क्या लोकेशन है, ये सब के लिए वो लोग कौन सा एक WGS 84 डेटम यूज करते हैं। डेटम का मतलब क्या होता है, अर्थ जो है वो एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, जिगजैक है, और उसके ऊपर हम लोगों ने एक अप्रॉक्स जो है सर्कल ड्रॉ किया है जिसके थ्रू हम लोग अर्थ को समझ सके, है ना, उसको डेटम बोलते हैं। देर आर मैनी डेटम। अभी एक जो है ना, ये नॉर्मली जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन है वो यूज करता है, कौन सा वाला, WGS 84 डेटम, WGS 84 याद रखिए, थोड़ा अगर याद हो सके तो। WGS stands for World Geodetic System, ये कॉमन वाला है जो आप अगर स्मार्टफोन यूज करो उसमें ये कॉमनली यूज होता है। लेकिन हर एक कंट्री जो है ना अपना एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए वो लोग अपना अपना अलग से डेटम कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे देखिए, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज इट्स ओन डेटम, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ये तो कॉमन बताया हुआ है, लेकिन हम लोगों के कंट्री का एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए कि हम लोगों के कंट्री में कितना, कितने बाउंड्री तक का एरिया हम लोग का है, कितने बाउंड्री तक का एरिया बाजू वाले कंट्री का होगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को मिलना चाहिए। और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल जो डेटम है वो हम लोग खुद से कैलकुलेट करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड वाला है वो नहीं, मतलब हर एक कंट्री जो है अपना खुद का एक डेटम कैलकुलेट करता है। जैसे रेड लाइन देखिए ऊपर से पास हो रहा है, लेकिन हम लोग के यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं वो लाइन से थोड़ा नीचे रह रहे हैं, मतलब क्या है, डिस्टेंस जो है, जो स्टैंडर्ड डेटम जो कैलकुलेट हुआ है कि अर्थ का स्पेयर जो है वो यहाँ पे है, अगर इंडिया है वो यहाँ से चालू हो रहा है, लेकिन नहीं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे नहीं है ना, उससे थोड़ा कोऑर्डिनेट्स हम लोग के अलग है। तो वो हम लोगों को जब भी जैसे आपको कंट्री कंट्री लेवल पे, सिटी लेवल पे कोई एग्जैक्ट कुछ चीजें डिस्प्ले करना है, तो वो टाइम पे कंट्री के अपने खुद के डेटम होने चाहिए, ऐसा एक खुद का कैलकुलेटेड एरिया मैप होना चाहिए। सो जैसे हम लोग उसके बेस के ऊपर अपना खुद का डेटम, जैसे इंडिया अगर यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या किया, इंडिया ने अपना खुद का एक डेटम, और वो लाइन से हम लोगों ने अपना एक खुद का अलग से डेटम बनाया जिसके बेस के ऊपर हम लोग मिसाइल टेस्ट फायर, हम लोग यहाँ पे सुनामी, अर्थक्वेक, ये सब कुछ हम लोग, ये जो है ना हम लोगों का जो डेटम है उसके बेस के ऊपर हम लोग फॉलो करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया डेटम क्या होता है। वो एरिया, डेटम इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अर्थ विच सर्व्स एज द रेफरेंस और बेस फॉर कैलकुलेटिंग जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सिस्टम। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम क्या होते हैं वो समझते हैं। नाउ अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों का प्राइम मेरिडियन है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, इक्वेटर होता है, और फिर यहाँ पे हम लोग के पास ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, इतना तो हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोग का नॉर्थ वाला साइट है, ये साउथ वाला साइट है, सॉरी ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ये हम लोग का नॉर्थ वेस्ट है, और ये हम लोग का साउथ वेस्ट है। तो हम लोग बताएंगे कि जैसे मैं 15 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में हूँ, तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट, कि अगर मैं कुछ चीज बता रहा हूँ जैसे इंडिया कितने डिस्टेंस पे, कौन से कोऑर्डिनेट्स पे, ये हम लोग कैसे बताएंगे, लेट्स सी। देखिए ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, क्या कोऑर्डिनेट्स है, 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट, ये हम लोग के कोऑर्डिनेट्स है। और जो सन जो सबसे पहले आता है वो कहाँ से आता है, ये साइड से आता है, ईस्ट साइड से राइज होता है, आई होप आपको पता रहेगा। तो आप अगर देखोगे ना, हम लोग को सेंटर में हम लोगों ने इंडिया को डिवाइड किया है 82.5 डिग्री ईस्ट पे, है ना, ये हम लोग का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो बहुत बार अगर आपने न्यूज में भी सुना रहेगा ना, तो अरुणाचल प्रदेश साइड से बहुत बार, अरुणाचल प्रदेश के जो मिनिस्टर है ना, उन्होंने भी बहुत बार डिमांड किया है कि यहाँ पे जो है ना सनलाइट मॉर्निंग जल्दी होता है, और यहाँ से यहाँ तक वो लाइट्स को आने में 1 to 2 hours का डिफरेंस होता है, अप्रोक्स कुछ तो 2 hours का डिफरेंस होता है। तो दैट मीन्स बहुत सारे कंट्रीज है जो मल्टीपल टाइम जोन्स फॉलो करते हैं, तो इंडिया में भी ये डिमांड है, ये साइड के नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है ना उनका डिमांड है कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग जल्दी होता है तो आप यहाँ पे टाइम अलग रखिए, यहाँ पे टाइम अलग रखिए, क्योंकि जब भी यहाँ पे मॉर्निंग होता है, यहाँ पे लाइट होने के बाद जाके 2 hours अप्रॉक्स के बाद यहाँ पे लाइट होता है, मतलब 6 o'clock जब भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7:30 होना चाहिए, राइट। तो ये बहुत टाइम से डिमांड चल रहा है, अगर आपने कभी न्यूज देखा रहेगा। तो दैट मीन्स हम लोग जब एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हम लोग को पता है तभी हम लोग बताएंगे ना। और देखिए अगर यहाँ से सन राइज हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे वो टाइम क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है ना, तो उसकी के बेस के ऊपर हम लोग टाइम भी कैलकुलेट करते हैं कि अगर इंडिया में ये टाइम है तो यूएस में क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ IST, है ना, IST मीन्स क्या, हम लोग का ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, ये सेंटर वाला जो लाइन है वो कितने पे है, 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे है ये, तो दैट मीन्स 0 डिग्री से हम लोग कितने ये साइड पे है वो आपको देखना होता है। तो आप अगर देखेंगे कि हम लोग अगर अप्रोक्स 5.5 आवर्स जो है ना, वी आर अहेड ऑफ GMT, ग्रीनविच मेरिडियन जो है, वहां से हम लोग इतना आगे है, कितना आगे है GMT से, सॉरी 5.5 आवर्स। तो अगर सेंटर वाला जो 0 डिग्री वाला जो लाइन था जो हम लोगों ने देखा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला लाइन, ये देखिए ये वाला लाइन, तो यहां से आप जैसे जैसे डिग्री, जितने डिग्री आगे आगे जाते हो ना, 15-15 मिनट्स का डिस्टेंस जो है ना, यहां से 10 डिग्री पे 15 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे 9 o'clock है, यहाँ पे 9:15 होगा, 9:30 होगा, आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो वैसे ही अगर हम लोग आगे आगे की बात करें तो कितना डिस्टेंस है ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी आई मीन 15 डिग्री मीन्स 1 आवर होता है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया। सो 15 डिग्री मीन्स 1 आवर होगा। तो लेट सपोज कि यहाँ पे 15 डिग्री की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से अगर कोई यहाँ पे 15 डिग्री पे है तो ये 1 आवर का डिफरेंस हो गया, देन अगेन 1 आवर का डिफरेंस हो गया। तो सेम वे यहाँ पे हम लोग वही चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कि अगर 12 बज रहे हैं, एक ग्रीन ये जो सेंटर वाला हम लोग का जो लाइन है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में क्या टाइम होगा ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस 5.5 आवर्स ऐड कर दो, तो मतलब कितना होगा, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। सो 75 डिग्री अगर होता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे है ना, 75 डिग्री अगर हम लोगों का हुआ तो कितना होगा, 5 आवर्स होगा। तो 12 + 5 कितना होगा, इंडिया में 5 PM होगा, जब सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे अगर 12 noon, 12 दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में क्या टाइम होगा, शाम के 5:30। और सेम वे अगर हम लोग वेस्ट साइड पे जाते हैं तो आपको टाइम माइनस करना है, अगर हर एक 15 डिग्री के ऊपर 1 आवर माइनस होगा। तो अगर जैसे मैंने बोला कि हम लोग ईस्ट साइड पे है तो टाइम ऐड करना है, और वेस्ट साइड पे है तो टाइम माइनस करना है ना, ये हम लोगों को कैसे पता चलता है कितना टाइम ऐड माइनस करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस वर्टिकल लाइंस, क्लियर है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग अगर 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री वेस्ट में है, 0 ये जो हम लोग का ग्रीनविच लाइन है वहां से 30 डिग्री वेस्ट में है, तो मतलब 2 आवर्स पीछे है, तो यहाँ पे अगर दोपहर के 12 बजे तो यहाँ पे सुबह के 10 बजेंगे। आई होप इट इज क्लियर। अपने टॉपिक पे आता है, तो ये सब प्रोजेक्शन जो है हम लोग इसी के लिए करते हैं। तो आप अगर देखोगे ना, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, इट इज बेस्ड ऑन स्फेरॉइड ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, है ना, इट इज यूजेस लीनियर यूनिट्स। कैसे कौन से लीनियर यूनिट्स यूज करेंगे, ये जो आप नंबर्स देख रहे हो ये सारे लीनियर यूनिट्स वो यूज करते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स वो बताते हैं, पेयर यूज करेंगे। आई होप ये बहुत सिंपल है, अभी मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। मैप प्रोजेक्शन क्वेश्चन जो है वो 2014 में आया हुआ है। तो मैप प्रोजेक्शन क्या होता है, बहुत क्विकली समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द स्फेरिकल अर्थ सरफेस टू अ प्लेन, है ना, स्फेरिक से, जैसे आप देखो मैप प्रोजेक्शन याद है मैंने आपको सिखाया था, ऐसा ये मैप प्रोजेक्शन होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, स्फेरिकल से इसको एक स्ट्रेट सीधा मैप बता दिया ना, टॉप साइड से भी हम लोगों ने इसको एक सीधा मैप बता दिया, और देन कॉनिक वे में भी हम लोगों ने इसको सीधा मैप बता दिया। तो जब भी हम लोग ऐसे स्फेरिकल, अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, एक बॉल टाइप है ना, इसको जब भी हम लोग एक सीधे पेपर पे बता रहे तो ये प्रोजेक्शन हो गया, हम लोगों ने उसको 2D प्रोजेक्शन दे सकते हैं या 3D प्रोजेक्शन दे सकते हैं। तो आउटकम ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जब भी हम लोग ऐसे अर्थ के सरफेस को एक प्लेन पार्ट में बता रहे है ना, वर्ल्ड मैप, आप देख लो वर्ल्ड मैप ऐसा सीधा नहीं है ना, अर्थ अगर राउंड है तो वर्ल्ड मैप भी क्या होगा, राउंड होगा, लेकिन हम लोग पेपर पे इसको सीधा बता दें सो दैट हम लोग इजिली स्टडी कर सके इसको। तो जब भी हम लोग ऐसे अर्थ सरफेस को प्लेन पे डिफाइन करते हैं, बताते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। द आउटकम ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज, इसको क्या बोलते हैं, मैप प्रोजेक्शन। तो अलग अलग टाइप के मैप प्रोजेक्शन होते हैं। मैप प्रोजेक्शन इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल्स। पैरेलल्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स, है ना, मेरिडियन होंगे, मेरिडियन एक सेंटर वाला 0 डिग्री वाला लाइन है ना, पता है ना, लॉन्गिट्यूड वाला, ऑन अ प्लेन सरफेस रिप्रेजेंट्स द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। नाउ टाइप ऑफ मैप्स कौन से होते हैं, मैप प्रोजेक्शन कैन बी ग्राउंड इन टू वेज, मेनली दे प्रिजर्व द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मैप प्रोजेक्शन क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स, एक कन्फर्मल प्रोजेक्शन होगा, इक्विवेलेंट प्रोजेक्शन होगा, इक्विडिस्टेंस एंड अजीमुथल प्रोजेक्शन होगा। तो कन्फर्मल क्या होता है, अ कन्फर्मल प्रोजेक्शन प्रिजर्व्स लोकल एंगल्स एंड शेप्स। लोकली आपने जो जो एरिया कैसे बताया वो सेम वो और वही टाइप के शेप्स के साथ आपको रिप्रेजेंटेशन बताएगा। इक्विवेलेंट प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स एरिया इन अ कोरिलेट
को रिलेटिव साइज, जैसे वो बताएगा कि जैसे हम लोग अगर एक एग्जांपल समझते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये हम लोगों ने एक बेसिक सा मैप बताया ना, प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे इंडिया जो है वो कितना बड़ा है, अफ्रीका उससे कितना बड़ा है, चाइना उससे कितना बड़ा है, रशिया कितना बड़ा है, तो हम लोग ये एक एरिया वाइज प्रोजेक्शन कर रहे हैं। और ये एरिया वाइज प्रोजेक्शन कैसे कर रहे हैं, हम लोगों के पास ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस है और उसके बीच में कंट्रीज कहाँ पे आ रहे हैं उसको अप्रोक्सी हम लोग वहां पे प्लेस करते हैं, जिसके बेस के ऊपर हम लोग को पता चलता है कि कौन सा कंट्री वर्ल्ड मैप में क्या साइज का होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, इक्विडिस्टेंस, मतलब यहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्ट डिस्टेंस बताना है कि इंडिया श्रीलंका से कितना दूर है, इंडिया अफ्रीकन कंट्री से कितना दूर है, इंडिया यूरोपियन कंट्री से कितना दूर है, इंडिया अमेरिकन कंट्री से कितना दूर है, इंडिया जापानीज कंट्री से, चाइना से कितना दूर है, बाद में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से कितना डिस्टेंस पे आता है, इसको हम लोग इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं। और ये तीन तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, अजीमुथल प्रोजेक्शन है ना, ये वापस वही बता रहा है, प्रोजेक्शन रिटेन सर्टन एक्यूरेट डायरेक्शंस, याद रखिए ये वाला एक्यूरेट डायरेक्शंस, कौन से साइड से, नॉर्थ पोल से, सो द कन्फॉर्मल एंड इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव रहेंगे, कन्फॉर्मल एंड इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज आर ग्लोबल प्रॉपर्टी, मीनिंग दैट अप्लाई इंटायर मैप प्रोजेक्शन, है ना, एक साइड से हम लोग पूरा मैप प्रोजेक्ट करेंगे, इक्विडिस्टेंस रहेंगे, अजीमुथल प्रॉपर्टी आर लोकल प्रॉपर्टी एंड मे बी ट्रू फ्रॉम और टू सेंटर ऑफ मैप प्रोजेक्शन, है ना, अगर ऊपर से देखेंगे हम लोग वो ट्रू रहेंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट सेम है या नहीं, वो आपको रियल में मैप जब भी हम लोग बनाएंगे जीपीएस से ट्रैक करेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा, प्रिजर्व प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से हम लोग वो उसको प्रिजर्व भी करते हैं, यहाँ से हम लोग को पता चलेगा नॉर्थ पोल जो है वहाँ पे आइस शीट कितने हैं, यहाँ से रशिया जो है वो बहुत बाजू में है, तो रशिया जो है वो कितना दूर है, कितना एरिया उसका है, बाकी के कंट्री का एरिया कौन सा है, ये हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखेंगे, अ पॉपुलेशन मैप ऑफ वर्ल्ड शुड बी बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट प्रोजेक्शन बाई रिप्रेजेंटिंग एरिया इन अ करेक्ट साइज, आई होप क्लियर है, ये सिंपल सा है, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट सर्फेस मैप प्रोजेक्शन आर ग्रुप्ड इन सिलेंड्रिकल, कॉनिक एंड अजीमुथल, है ना, डेवलपमेंट सर्फेस, सो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कौन से रहेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, एक नॉर्मल प्रोजेक्शन होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स मीन्स बाजू बाजू में से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक ऑब्लिक होता है, मतलब अभी ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है ये इतना ऐसा टिल्टेड क्यों है, आपने अगर जियोग्राफी पढ़ा रहेगा तो आपको एक पैटर्न याद रहेगा थोड़ा सा, ये वाला पार्ट, दैट आर अर्थ इज 23.5 डिग्री टिल्टेड, है ना, टू अर्थ नॉर्थ साइड, तो ये हम लोग का नॉर्थ पोल आता है, ये साउथ पोल आता है, तो ये एग्जैक्ट हम लोग का अर्थ जो है ना वो सीधा घूमता नहीं है, वो इतना टिल्टेड है, आपने इतना पढ़ा रहेगा, आई होप आपको याद है वो, है ना, तभी तो क्या होता है कि ये जो नॉर्थ नॉर्थ आर्कटिक सर्कल अगर आप देखोगे, नॉर्थ पोल वाला जो एक्सट्रीम पोल वाले जो कंट्रीज रहते हैं ना, यहाँ पे कभी कभी 6 मंथ्स तक डे ही लाइट दिखता है, और यहाँ पे 6 मंथ्स तक कभी कभी क्या होता है रात ही दिखता है, तो अगर आप रात में वहां पे उठोगे आप सोओगे तभी भी, मतलब दिन जो है ना वहाँ पे सनलाइट सिर्फ 2 to 3 आवर्स 4 आवर्स ही होता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो नाइट टाइम होता है ना वो होता है मिनिमम कितना 2 to 3 आवर्स, तो उसी के लिए आप देख लीजिए कि बहुत जगह बहुत सारे कंट्रीज है जो ऐसे एक्सट्रीम पोल पे आते हैं ना, यहाँ ये साइड पे, वहां पे क्या होता है सर्टन सीजन में, जब भी अर्थ अगर आपका ये साइड पे है सन के सामने की साइड पे, तो वो टाइम पे यहाँ पे डे लंबा रहता है और रात छोटा होता है, और उसी की वजह से बहुत सारे कंट्रीज जो है ना यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर उनके यहाँ पे लाइट डे लाइट अगर प्रॉपर है तो वो अपना क्लॉक जो है वो प्रॉपर रखते हैं, लेकिन ये साउथ पोल वाले कंट्रीज जो है ना यहाँ पे, ये जब ये साइड पे आएंगे तो ये नॉर्थ वाले कहाँ पे जाएंगे, ये साइड पे, मतलब यहाँ पे रात बड़ा होगा और दिन छोटा होगा, तो जब ये रात बड़ा और दिन छोटा होता है तो मतलब 4 o'clock में वहां पे अंधेरा हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं अपने क्लॉक को, गवर्नमेंट साइड से इंडिकेशन मिलता है और वो अपने क्लॉक को 2 आवर्स पीछे कर लेते हैं, मतलब अगर 10 o'clock का टाइम है तो उसके जगह पे वो लोग अपना काम जो है वो 8 o'clock से चालू करेंगे, सो दैट जब भी अंधेरा होता है वो टाइम पे उनको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज ना करना पड़े, तो ये भी हम लोगों को तभी समझ में आता है जब भी हम लोगों को मैप पता रहेगा। सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना ये वाला जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, कैसे पता चला हम लोगों को टिल्टेड होता है, कितना डिग्री टिल्टेड होगा, 23.5 डिग्री, हम लोग का अर्थ उतना टिल्टेड है, लॉन्गिट्यूड मेरिडियन होता है, लैटिट्यूड पैरेलल्स होते हैं ना, स्ट्रेट लाइंस आते हैं और वही सब वापस सेम चीज है, सो नॉर्मल प्रोजेक्शन सिलेंड्रिकल रहेगा,
ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन व्हेन सिलेंड्रल हैज लाइन ऑफ ट्रांसेंडेंसी एंड मेरिडियन, है ना, मेरिडियन को फॉलो करेंगे। ये देखिए ये मेरिडियन वाला लाइन है, याद है मैंने अभी आपको बताया, मेरिडियन सेंटर से डिवाइड कर रहा है। और लास्ट वाला ऑब्लिक है ना, अनदर पॉइंट ऑफ ग्लोब, इट्स कंसिस्ट ऑफ ऑब्लिक मेरिकेटर प्रोजेक्शन। कॉनिक प्रोजेक्शन ऑलरेडी बता दिया आप, ये देख लीजिए अभी। टेंजेंट प्रोजेक्शन तो क्या होगा, वो कॉनिक एंड टेंजेंट में है ना, ये टेंजेंट होता है ये वाला, और ये इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। सो आप इजीली अभी एक बार से खुद से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड पैरेलल्स रहेंगे एंड सेंट्रल मेरिडियन रहेगा, है ना, दोनों जगह पे है वो। और इसमें अगर कॉनिक टेंजेंट में और यहाँ पे डिफरेंस अगर देखेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड पैरेलल और ये दो स्टैंडर्ड पैरेलल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही स्टैंडर्ड पैरेलल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कॉनिक वाले में डिफरेंस है, ए वाला कौन सा है, ये वाला है टेंजेंट वाला, और सीकेंट वाला कौन सा है, सेकेंड वाला है। सो टेंजेंट व्हेन द कोण इज टेंजेंट टू ओनली वन ऑफ द पैरेलल, जब भी एक ही पैरेलल रहेगा वो टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, है ना, क्या बोलेंगे इसको, वो टाइम पे हम लोग कॉनिक टेंजेंट। और जब भी दो पैरेलल अ सीकेंट व्हेन कोण इज नॉट बिग इनफ टू कवर द क्रिएट कर्वेचर ऑफ अर्थ, इट इंटरसेक्ट्स द अर्थ ट्वाइस एट पैरेलल लाइंस, दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन दो है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे पैरेलल्स को, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। आई होप इट इज क्लियर। एजीमुथल जेनिथल प्रोजेक्शन होता है, तो यहाँ पे देखिए ये वे में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वेक्टर डेटा मॉडल्स क्या होगा, बहुत इजीली समझ से, वेक्टर मीन्स क्या रहेंगे वहां पे, पॉइंट लाइन पॉलीगॉन्स, ये पॉइंट है, लाइंस है, पॉलीगॉन्स है, हम लोगों ने ऑलरेडी समझा ही है। तो देखिए जीआईएस कैसे बनता है, मैप प्लस डेटाबेस, डेटाबेस में क्या आएंगे, टेबल्स आएंगे, कॉलम एंड रो। मैप में क्या क्या आएगा, वेक्टर, रास्टर एंड टेन मीन्स ट्राइंगल पार्ट आएगा। रास्टर में क्या आते हैं, सेल्स आते हैं। वेक्टर में तीन चीज आएगा, पॉइंट लाइन पॉलीगॉन, ये इजीली याद रखे। और ये वाला मैप अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। पॉइंट लाइन पॉलीगॉन्स क्या होता है, अभी ये आपने सीजी में भी पढ़ा रहेगा, वापस मैं भी नहीं बता रहा हूं, इतना तो आप इजीली समझ सकते हैं। वेक्टर जियोरेशनल डेटा है ना, जियो स्पेशल एंड रिलेशनल एट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, तो अगर आप देखेंगे जियो रिलेशनल डेटा मॉडल्स क्या रहेंगे, वेक्टर मैप होते हैं, वेक्टर मैप, पॉइंट लाइन पॉलीगॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट टेबल, डेटाबेस टेबल। रास्टर मैप में क्या आएगा, कलर रैम्प आएगा, क्लियर है। एंड जियो डेटाबेस मॉडल्स में क्या आएंगे, वेक्टर मैप, पॉइंट लाइंस और पॉलीगॉन्स, डेटा टेबल रहेंगे, और उसको हम लोग डेटाबेस में ऐड करते हैं और इसी के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। टोपोलॉजी याद है मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस आर द टोपोलॉजीज, ऑलरेडी सीखा है हम लोगों ने, यही सेम लेक्चर में देखा था, याद रखिए। और उसके आगे ये लास्ट वाला पार्ट अगर मैं बताऊं आपको, तो ये हम लोग के स्मार्ट सिटीज है, उसमें भी आज के टाइम पे हम लोग जो जीआईएस है वो यूज करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ग्रेटर साइंस टू द आर्ट ऑफ प्रॉपर्टी असेसमेंट, कैसे प्रॉपर्टीज असेस करेंगे, कहाँ पे बड़े बिल्डिंग्स हम लोग बना सकते हैं। तो अगर आप देखोगे प्राइवेट डेवलपर्स रहते हैं, फिजिबिलिटी इम्पैक्ट स्टडी करते हैं कि यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग अगर बनाएंगे सस्टेन कर सकता है कि नहीं, अर्थक्वेक के चांस कितने हैं, ये सब। तो आप अगर ये मैप समझेंगे ना, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। इसके आगे वाला जो पार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। सो आई होप आप जो भी मैंने आपको बताया वो क्लियर है। नोट्स जो है अभी मैंने अपडेट नहीं किए, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिए, जैसे ही मेरा नोट्स कंप्लीट होगा मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।